चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा गांव में हुआ था। उनके पूर्वज बदरखा वर्तमान उन्नाव जिला से थे। कई लोग इनका जन्म बदरखा ही बताते हैं। आज़ाद के पिता सीताराम तिवारी बदरखा उत्तर प्रदेश को अकाल के समय छोड़कर मध्य प्रदेश के भावरा गांव में बस गए थे। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। उनका बचपन आदिवासी बहुल क्षेत्र में बीता। भील बालकों के साथ खेल खेल में उन्होंने धनुष बाण चलाना सीखा तथा निशानाबाजी में भी कुशल हो गए। 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद तब विद्यार्थी थे। 1921 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के पुकार पर चंद्रशेखर और अन्य युवाओं के साथ आंदोलन में कूद पड़े। 15 वर्ष की उम्र में आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा मिली। हर चोट पे वे चिल्लाते भारत माता की जय। जब न्यायाधीश ने उनसे नाम पूछा तो कहा आज़ाद। तब से आज़ाद उपनाम उनके मुख्य नाम के साथ जुड़ गया। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे कभी भी ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं होंगे तथा एक स्वाधीन व्यक्ति के रूप में मरना पसंद करेंगे। जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया तो देश के सब युवकों को निराशा हुई। आज़ाद ने तब बिस्मिल सचिंद्र नाथ सान्याल तथा योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा संस्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सदस्यता स्वीकार कर ली। इसी के अंतर्गत 1925 में काकोरी रेलवे डकैती की गई जिससे संगठन के लिए धन जुटाया जा सके। 1926 में वायसराय की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश भी की। सांडर्स वध में भी भगत सिंह का साथ भी आज़ाद ने दिया था। झांसी और ओरछा भी उनकी गतिविधि के केंद्र रहे। यहाँ के जंगलों में वे स्वयं निशाना साधने का अभ्यास करते थे तथा अपने क्रांतिकारी दलों के सदस्यों को भी शूटिंग का अभ्यास करवाते थे। उन्हें बहुत बार वेश बदल कर रहना पड़ता था। एक बार तो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी नाम से वे मंदिर में रहे। धीमरपुरा में उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर गांव वालों का दिल जीत लिया। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को जब ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया तो आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 को जवाहरलाल नेहरू से मिले तथा उनसे मदद मांगी कि वे क्रांतिकारी मुक्त हो सके, पर वे असफल रहे। तब वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गए तथा साथियों के साथ अपनी अगली गतिविधियों की चर्चा करने लगे। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। बड़ी संख्या में पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आज़ाद ने जवाब में पुलिस पर गोलियां चलाई। बचने के लिए कोई चारा न देख अंतिम गोली स्वयं को मार ली। अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं सके और वे अंत तक आज़ाद रहे।